खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके शरीर से मिलने वाले खास संकेतों के बारे में। जी हां, संकेत जैसे कि कहीं आपके कंधे झुकने तो नहीं लगे हैं, चाल में फर्क तो नहीं आ गया है, या फिर उंगलियां टेढ़ी तो नहीं हो रही। ये दरअसल संकेत हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन पर आज हम गुरु जी से जानेंगे, साथ ही बात करेंगे परवरिश टिप की, दिन का शुभ अशुभ समय, जन्मदिन, राशिफल और अंत में वो विचार जो हम सबका दिन बना देगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। राम राम गुरु जी। मां भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरु जी, क्या वाकई शरीर से इस तरह के संकेत जो हमें मिलते हैं वो किसी खास ओर इशारा करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी के कंधे झुके हुए हैं, तो इसका क्या अर्थ है? बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, आने वाला समय अच्छा हो जाएगा अगर आप इसे समझ के सुधर गए तो। कंधे झुक जाना ये अच्छी निशानी नहीं, इसे हमारे बुजुर्ग गुरबत की निशानी, गरीबी की निशानी कहते थे। लेकिन मैं इसे गरीबी की निशानी तो नहीं, लेकिन ये शरीर में कमजोरी की निशानी जरूर मानता हूँ। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपके घर में जो कंधे झुका कर चलने वाले लोग हैं उनको पीछे इस तरह से स्क्रू बना लीजिए अपनी उंगली का, ऐसे और ऐसे ऐसे कर दी तो एकदम सीधे हो जाएंगे। जो लोग कंधे झुका के चलते हैं इन लोगों को शरीर में कमजोरी रहती है, इनको सांस की दिक्कत हो सकती है और कुल मिला के ये इस बात की निशानी है कि इनका शनि भी बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। तो कोशिश यही करें कि कोई भी व्यक्ति कंधों को झुकाकर ना चले। कंधों को झुकाकर चलने से कमर में और कंधों में एक दर्द भी बैठने लगता है और इससे नुकसान हो जाता है। पेरेंट्स भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि उनके बच्चे कंधे झुका के चल रहे हैं तो एक बार कैल्शियम, विटामिन डी, B12 ये ज़रूर डॉक्टर साहब से टेस्ट करा लें, डॉक्टर साहब की उसमें सलाह ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि अंदर उनके विटामिंस में या विटामिन डी वगैरह में कोई कमी हो और इस वजह से उनकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग ना हो पा रही हो, तो ये आप कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे संकेत हैं, अगर हम किसी के पोस्चर या जेस्चर को ध्यान से देखें, कुछ लोगों की गर्दन झुकी होती है, उनको आदत होता है गर्दन झुका के चलने की, तो ये क्या इंगित करते हैं? ऐसे ऐसे करके चलते हैं, जब दौड़ते भी हैं तो ऐसे करके दौड़ते हैं, मतलब कुछ खास है। गर्दन झुका के चलना ये भी बहुत अच्छी निशानी नहीं, एक तो ये हम अपने सोच में चले जा रहे हैं गर्दन इस तरीके से झुकी है, और एक होता है हम झुकाना नहीं चाह रहे फिर भी गर्दन झुक रही है, ये हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम को हम ज्योतिष में शनि के हिसाब से देखते हैं और ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है वो अपना शनि मजबूत करे, नहीं तो आगे जाके ये मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है, नसों की दिक्कत हो सकती है और ये एक बड़ी खराब निशानी बन सकती है। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आगे ऐसे बहुत सारे संकेतों के बारे में हम गुरुजी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशिफल पूछ लेते हैं। गुरुजी, पहले चार राशियों का दिन कैसा होगा? मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल सुनिए। मेष राशि, दिन आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है, एक सावधानी अवश्य रखिएगा इस दिन, यात्रा में वाहन चलाते वक्त, वाहन खड़ा करते वक्त थोड़ा सावधान रहिएगा। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, इस दिन हनुमान जी की पूजा करें और उसके बाद आप अपने घर से चले, लाल वस्त्र पहनना अवॉइड करें इस दिन। वृषभ राशि, इस समय थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा मेहनत करनी ज्यादा पड़ेगी और यात्रा में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वैसे कुल मिला के सब ठीक है, बस एक छोटी सी सावधानी, इस दिन भोजन का ध्यान रखिएगा क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा रह सकती है। एक छोटा सा उपाय कर लें, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इसका 11 बार जप करके एकाग्रचित्त होकर फिर अपने काम पर जुटिएगा। मिथुन राशि, जिन लोगों को सर आंख की दिक्कत रहती है वो ध्यान रखें, इस दिन गृहस्थ जीवन में
वाद विवाद ना हो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। बाकी भाग्य पक्ष ठीक है, बस एक छोटी सी सावधानी रखें, इस दिन किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे, कच्ची सब्जी का दान कर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। बस एक छोटी सी सावधानी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिजली पानी से थोड़ा सा सावधान रहें और एक छोटी सी चीज, क्रोध से बचें। उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करें, अच्छे लोगों के संगत में बैठें, तो जी सब ठीक करेंगे। ध्यान से सुनते जाइए और बताने की आवश्यकता नहीं है, उपाय सावधानियां दोनों नोट करते जाइए। अब आज की परवरिश टिप गुरुजी से जान लेते हैं। गुरुजी वो क्या है माता पिताओं के लिए? सुनिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे कंधे झुकाते हों उनको जैतून के तेल की मालिश करने की आदत डालिए। शाम को या रात को सोते समय थोड़ा सा जैतून का तेल लगाइए और अंगूठों से इस प्रकार से हल्के हल्के मसाज उनकी करिए, और जिससे कि उनकी मसल्स बलिष्ठ होना शुरू हो जाए, क्योंकि कंधे झुका के चलना ये अच्छी निशानी नहीं है, बहुत ख़राब निशानी है। और जो बच्चे कंधे झुकाकर चलते हैं, पेरेंट्स कृपया ये ज़रूर देखें कि वो पैर रगड़ के तो नहीं चल रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से ये जीवन में आगे जाकर अनेक प्रकार की समस्याएं देंगी, शरीर से संबंधित भी और भाग्य से संबंधित भी। तो है ना पते की बात, गांठ बांध लीजिए और इसको अमल में लाइए, देखिए फिर बच्चों पर क्या रिजल्ट होते हैं इसके। अब बात उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, गुरुजी उनका काल कैसा होगा? तो सबसे पहले तो जिनका आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये बहुत संभल के चलने वाले हैं, खास तौर से मार्च 2020 तक का जो समय है, इस समय आप बहुत सावधानी से चलिएगा, धैर्य से चलिएगा, नया कार्य करने से बचिएगा, नए रिश्ते बनाने से बचिएगा, अन्यथा उसमें परेशानी हो सकती है। बहुत ज़्यादा धन का इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करें, और यदि कहीं धन का इन्वेस्टमेंट करना भी हो तो माँ को, पत्नी को, बिटिया को अपना पार्टनर ज़रूर बना लीजिएगा, अन्यथा इसमें दिक्कत आनी तय है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आपके गलत निर्णय होंगे, आपके निर्णयों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, आपको लगेगा तो ज़रूर कि बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं और मेरी तरक्की होने वाली है, लेकिन ये सब भ्रम हो जाएगा। इसके वजह से आपको बहुत संभल के अपने निर्णय लेने होंगे, बल्कि मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ कि मार्च तक कोई भी बड़ा निर्णय स्वयं मत लीजिएगा, जो बुज़ुर्ग कहें वो कीजिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय, अपने शरीर के बराबर सूती धागा ले लीजिए, 7 बार उसे लपेट लीजिए और घर के बुजुर्गों के हाथ से उसे गले में धारण कर लीजिए, और साथ ही साथ रोज़ाना थोड़ा सा सरसों का तेल नाखूनों पर लगा के सोने की एक आदत बना लीजिए, और बृहस्पतिवार के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करनी है, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, ये करिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। थोड़ा ध्यान रखने का समय है, लेकिन फिर भी जो नतीजे आएंगे वो आपके लिए सही साबित होंगे, उन उपायों को जरूर करिएगा जो गुरुजी ने आपको बताए हैं। आज हम बात कर रहे हैं शरीर से मिलने वाले संकेतों के बारे में। गुरुजी यदि किसी की कमर झुकी हुई हो तो उसका क्या अर्थ होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जरा सुने। बहुत सारे लोग कमर झुका कर चलते हैं, दौड़ते वक्त भी वो ऐसे करके कमर झुका कर दौड़ते हैं और चलते हैं, ये बहुत अच्छी निशानी नहीं मानी जाती। इसमें कमर में दर्द हो सकता है, नर्व्स में प्रॉब्लम ये दिखाता है, और ऐसे लोगों के ब्रेन में भी कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जब भी आप दौड़ें बिल्कुल ऐसे सीधे क्रॉस हैंड्स सीधे चलें, सीधे दौड़ें, बहुत ज़्यादा तिरछे होकर चलने की आदत आप छोड़ दीजिए, यह अच्छी आदत नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। और अब एक और संकेत पर हम बात करना चाहेंगे गुरुजी, कोई और खास बात भी होती है क्या लोगों को जो नोटिस करनी चाहिए और अपने अपने आप को देखना चाहिए? हाँ, उंगलियों से संबंधित, मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो अपनी उंगलियाँ इस तरीके से मोड़ के रखते हैं, बहुत सारे बड़े भी ऐसे करके उंगलियाँ मोड़ के रखते हैं, तो आप कभी देखिएगा जिन लोगों की इस तरीके से या इस तरीके से उंगलियाँ मोड़ के जो लोग रखते हैं उन को सांस की दिक्कत ना हो ये ध्यान रखना होगा, उनके शरीर में विटामिन डी कम ना हो, विटामिन डी ठीक रखना होगा, उसके लिए आप चिकित्सीय सलाह समय समय पर लेते रहें, और ऐसे लोगों को ऐसा भोजन देना शुरू कीजिए जो बहुत पौष्टिक हो,
बहुत पौष्टिक हो, और साथ ही साथ 15 से 20 मिनट ऐसे लोगों को रोजाना प्राणायाम करना चाहिए, ठहाका मार के हंसना चाहिए और लगभग 3 किलोमीटर टहलना चाहिए। आप देखिएगा ये करने के बाद धीरे धीरे इनकी मुट्ठियाँ अपने आप खुलने लगेंगी, नहीं तो उंगलियां इस टाइप से रख लेना, ये अच्छी निशानी नहीं है। सांस है, मस्तिष्क है, इसकी कमजोरी को यह दिखाता है। तो वाकई ये छोटे छोटे संकेत हैं, इनको हम कई बार आदत मान लेते हैं, लेकिन इनके पीछे बड़ा संदेश छुपा होता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप दिन का शुभ अशुभ समय जान लेते हैं गुरुजी, वो क्या रहेगा सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। अशुभ समय नोट कीजिए, दो मुहूर्त होगा सुबह 8:12 से 9:07 तक और रात में 11:18 से 11:59 तक गोलिक काल रहेगा। दिन में 12:19 से दोपहर में 2:02 तक यमगण काल रहेगा, सुबह 8:53 से 10:36 तक और राहु काल रहेगा दोपहर में 3:46 से 5:29 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:52 से 12:47 तक और अमृत काल रहेगा दोपहर में 2:42 से शाम को 4:14 तक। तो कोई भी इम्पोर्टेंट काम, महत्वपूर्ण मीटिंग, कुछ नया या बड़ा शुरू करने जा रहे हैं, हमेशा शुभ समय को ध्यान में रखकर ही कीजिए। हम जानते हैं राशिफल का भी आपको इंतजार है गुरुजी, जो बीच की 4 राशियां हैं उनका दिन कैसा होगा? यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन धन कहीं अचानक खर्च हो सकता है या धन की कमी महसूस हो सकती है। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन सर्दी गर्मी से बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भाग्य पक्ष इस दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए जो भी कुछ आपको प्राप्त होगा कुछ परेशानी के बाद प्राप्त होगा, था धैर्य रखें। एक छोटी सी सावधानी, जो लोग सामाजिक जीवन में हैं बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, इस दिन भगवान गणेश जी की उपासना करें फिर अपने काम पर जुटें, वो तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर है, यह दिन आइडियाज की दृष्टि से भी कमजोर है, जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई नुकसान ना कर बैठे अपना। एक छोटी सी सावधानी और आपको बरतनी होगी, इस दिन मित्रता बहुत सोच समझ के करिएगा और धन देते वक्त किसी से भी बहुत सावधानी से अच्छे से जांच परख कर बात करके ही धन दीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन अम्बे मैया की पूजा स्तुति कीजिए, ध्यान साधना कीजिए फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। इस दिन हरे वस्त्र पहनने से बचें। वृश्चिक राशि, यह दिन आपको तरक्की दिलाने वाला है, आगे बढ़ के आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, यह दिन धन के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, साथ ही साथ जो धारदार चीजें होती हैं उससे भी सावधानी पूर्वक कार्य करें। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। सावधानियां उपाय नोट करते जाइए। हम शारीरिक संकेतों के बारे में बात कर रहे हैं गुरुजी, तिरछे पैर चलने वाले भी कुछ लोग होते हैं, हाँ। वो किस ओर इशारा करते हैं? ऐसे ऐसे करके वो ऐसे ऐसे चलते हैं, जरा ध्यान से समझिए इसे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग तिरछे पैर चलते हैं इस तरीके से, पैर को यूं डालने की जगह यूं ऐसे करके तिरछे डालते हैं, ऐसे लोगों को कमर की दिक्कत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा एड़ी पंजा रख कर सीधे पैर रखकर चलने की आदत डालिए और तिरछे पैर रखने की आदत को अवॉइड कीजिए, इससे नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, इससे घुटनों में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, कमर में दर्द रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वाकई कितने इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्या आपने कभी सोचा था कि इन सब के पीछे भी ऐसा संकेत हमें मिलेगा जिसको हमें आगे ध्यान रखने की जरूरत होगी? ऐसे ही रोज नए नए विषयों पर हम गुरुजी से चर्चा करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं ये शो, जहां पर हर बात होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ, आपके जीवन से जुड़े जितने आयाम है उन पर हम चर्चा करते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतिम 4 राशियों की गुरुजी, उनका दिन कैसा होगा? यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जल्दी से लिख लें। धनु राशि, दिन धन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, आप अपने सीनियर से अच्छा व्यवहार करें, अपने काम में मुस्तैद रहें, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी आपको
जरूर बरतनी होगी। इस दिन कोई आपका अपना करीबी आपको धोखा दे सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नारायण नमो नमः का जप करें और हल्दी का तिलक अवश्य धारण करें। मकर राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतनी है, जिन लोगों को गले की सांस की पेट की दिक्कत रहती है थोड़ा अलर्ट रहें। एक छोटा सा उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस दिन, सरसों के तेल का दान अवश्य कर दें। कुंभ राशि, यह दिन अच्छा है, कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है, कोई अच्छे व्यक्ति से आपकी अच्छी मित्रता या वार्तालाप हो सकती है जिसका आपको लाभ मिलेगा, किसी रिश्तेदार आदि से भी आप अच्छे से मेल मुलाकात हो सकती है जिससे आपको लाभ मिलेगा। एक छोटी सी सावधानी लेकिन जरूर रखनी है, इस दिन पार्टनर्स या मित्र आपसे नाराज हो सकते हैं। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप ओम रुद्राय नमः का जप करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर काम पर जुटे। मीन राशि, भाग्य पक्ष बहुत साथ देता दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। बाकी कर्म पक्ष तो स्पष्ट है, अच्छे निर्णय लेने से लाभ हो सकता है आपको, लेकिन लाभ एकदम नहीं मिलेगा, तो धैर्य रखें। एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर बरत लीजिएगा और वो ये है कि इस दिन किसी कागज पर हस्ताक्षर एकदम मत कीजिएगा, नंबर एक। नंबर दो महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस दिन यदि कोई निर्णय ले तो घर के बुजुर्गों की सलाह के बिना ना ले। उपाय क्या करना है, यदि संभव हो सके तो पीली टोपी या पीली पगड़ी सर पर धारण करें, और यदि वो संभव नहीं है तो शहद का दान अवश्य कर दें। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। चलिए, दिन तो अच्छा हो गया और आज इतने महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में भी आपने जान लिया। अब बारी आती है आज की व्यथा की। गुरु जी, एक दर्शक है हमारे, प्रणव भटनागर इनका पूरा नाम है और डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1989, प्लेस ऑफ बर्थ है गाजियाबाद और टाइम है 8:30 रात में। और दिक्कत ये है कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था 8 जुलाई 2017 को और वो बेहोश हो गए थे। तकरीबन आधे घंटे तक बेहोश रहे, लेकिन जब होश में आए तो उनके ब्रेन के काफी सेल्स डेड हो गए थे क्योंकि बहुत देर तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई ब्रेन में। प्रणव जी के लिए जो मैं आपको कुछ एक उपाय बता रहा हूँ वो जरूर करा दीजिए। पहली चीज तो ये है कि वो स्वयं कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके सर के पास बैठकर महामृत्युंजय का नियमित रूप से जप किया कीजिए, इसे निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा, आप चिंता ना करें। समय जरूर लगेगा लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी ऐसा मुझे लगता है। 2019 में पूरी तरह ये लगातार प्रक्रिया करते रहिए, फरवरी 2020 के बाद से तेजी से फर्क आएगा। दूसरी चीज क्या कीजिएगा कि दिन में 2-3 घी ले लीजिएगा, अगर ये भेड़ का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो ये घी ले लीजिएगा गाय का या भेड़ का और उसे पाँव के तलवों पर लगा कर और खूब हल्के हल्के जेंटली लेकिन लंबे समय तक रगड़ना शुरू कीजिए, मसाज करना शुरू कीजिए और अंगूठों से जगह जगह दबाव भी दीजिएगा। और उसके बाद ये जो टिप्स हैं, फिंगर की टिप्स हैं और अंगूठे की टिप्स हैं 10, इनका दबाव दीजिए। दिन में 3 ये करना शुरू करिए, प्रभु ने चाहा तो आपकी मेहनत और उनकी भक्ति जरूर रंग लाएगी और वह 2020 तक आते आते काफी कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। तो हिम्मत मत हारिए, उपाय जरूर कीजिएगा जो गुरुजी ने आपको बताए हैं, क्योंकि मैंने देखा है गुरुजी के उपाय काम करते हैं, लोगों को इससे लाभ होता है। तो बस ये भी एक जंग है, कुछ समय के लिए है पर आपको लड़नी है और उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम जानेंगे वो विचार जो दिन को और अच्छा बना देगा। गुरुजी, आज का विचार, एक बहुत बहुत पहले मैंने कुछ लिखा था उसकी दो लाइन मुझे याद आ रही है, वो मैं शेयर करता हूँ और ये जिंदगी की एक बड़ी वास्तविकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हर शख्स पर वक्त उतना ही था, हर शख्स पर वक्त उतना ही था, कोई सो गया कोई सोना बना गया। अरे वाह, कितना कर्म प्रधान विचार गुरुजी ने आज रखा है कि जितना वक्त था उसमें या तो सो लीजिए या सोना बन जाइए, सब कुछ आपके हाथ में है।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो अपना दिन सुधारिए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके दिन को बेहतर बनाए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। राम राम, नमस्कार, माता की जय। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर एक दिलचस्प विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।